चलिए एक और नए स्टूडेंट से मिलते हैं, निमसेट 22 के टॉपर से जिनकी ऑल इंडिया 55 रैंक है, तुषार नंदा, जो कि दिल्ली से बिलोंग करते हैं। तो तुषार, आपको पहले तो ऑल इंडिया 55 रैंक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, कॉन्ग्रेचुलेशन आपके आपके और आपके परिवार दोनों के लिए। थैंक यू सो मच। और ये जहां से आप मुझे इंटरव्यू दे रहे हैं, लगता है आपका स्टडी रूम है, काफी सारी बुक्स दिख रही है और शायद आपको म्यूजिक का भी शौक है, बहुत ही अच्छी बात है। तो तुषार, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आपने, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी से आप पढ़ाई की है आपने, तो आपने निमसेट के लिए कब सोचा और आपकी सक्सेस जर्नी को आप कैसे डिफाइन करेंगे? आफ्टर थ्री इयर्स जैसे ही बीएससी ओवर होता है, केमिस्ट्री में मुझे कुछ स्कोप नहीं दिख रहा था, क्योंकि फर्स्ट ईयर से जब मैं एंटर करता केमिस्ट्री ऑनर्स में, मुझे लगा मैं गलत कोर्स में आ गया हूँ, क्योंकि मैं एक डिफेंस एस्पिरेंट था। तो वही एसएसबी वगैरह से देखा कि आर्म फोर्सेज में एक इंजीनियर की वैल्यू ज्यादा होती है और उसको अपॉर्चुनिटी भी ज्यादा मिलती है, तो वैसे करके मेरे को लगा मैं गलत जगह हूँ, ऐसे नहीं होगा यहाँ। अब घर वालों को बोल नहीं सकते कि फीस उन्होंने भर दी, निकालो मुझे। तो मैंने सोचा कि शौक तो है मुझे आर्म फोर्सेज, व्हाई डोंट आई ट्राई फॉर एनडीए। एनडीए का एग्जाम दिया था पर हमेशा कुछ कुछ मार्क्स से रह जा रहा था, क्योंकि इंग्लिश उसमें मेरा कमांड नहीं था, जनरल स्टडीज में। मैथ में ठीक है स्कोर कर लेता था बट उसकी वजह से रह जाता था, जीएस की वजह से। तो फिर मैंने नेवी एसएसआर का दिया था 28 अगस्त 2018 को, तो वहां पे बस मैं गया और सिलेक्ट हो गया था, वो पता नहीं कैसे हुआ। फिर मैंने और आगे देखा कि उससे बढ़िया ऑप्शन एयरफोर्स एक्सेंट्री का भी है, वो पेपर दिया क्योंकि मेरा अंदर से था कि मुझे इस कॉलेज से निकलना है। वो मैंने वो पेपर दिया, वो भी क्लियर करा, और उसमें भी जो मेडिकल टेस्ट, रिटन टेस्ट सब कुछ क्लियर करा और मेरे पास ज्वाइनिंग लेटर आया। बट एट दैट टाइम एक वो अंदर से था कि मुझे ऑफिसर ही बनना है, क्योंकि मैं 10+2 टीयर एंट्री का एसएसबी देके आ चुका था। बट वहां पे भी स्क्रीन आउट हुआ तो बहुत बुरा लगता है, इतनी दूर से जाऊँ और फर्स्ट डे आउट। उसके बाद मैंने सोचा कि मेरे को जाना तो फ्लाइंग एंट्री के लिए ही है, यहाँ तक आए हो एयरफोर्स एंट्री निकले तो सीडीएस भी निकलेगा। तो फिर मैंने सीडीएस की प्रिपरेशन करी, वो भी क्लियर करा, पर उसमें एयरफोर्स के लिए नहीं निकल पाया, इंडियन मिलिट्री अकेडमी के लिए कट ऑफ क्लियर करी। फिर मैंने एक फैमिली में हमारे उनसे पूछा कि आर्मी में भी तो पायलट्स होते होंगे, उनके उनने बोला हाँ आर्मी में भी होते हैं, वो एयरफोर्स अकेडमी में पहले आपकी आईएमए में ट्रेनिंग होगी, फिर एएफए में भेज देंगे फ्लाइंग के लिए। फिर वहां से एक अंदर से कॉन्फिडेंस बिल्ड होना चालू हो गया कि 5-6 लाख जहाँ पे ऑल इंडिया बैठते वहां पे मैं पेपर क्लियर कर सकता हूँ, व्हाई डोंट आई क्लियर मोर एग्जाम्स। ऐसे ऐसे करके अब वहां पता चला कि इंटरव्यू क्लियर होगा जब होगा, मैं ऐसे बैठ तो नहीं सकता करते। फिर देखा कि केमिस्ट्री में प्लेसमेंट वगैरह तो होने नहीं वाली, तो पढ़ेंगे भी तो एमएससी करेंगे, फिर उसके बाद पीएचडी करो या फिर थोड़े ONGC वेल गेल वगैरह देखते हैं। तो तब तक मेरी एज 28-29 पहुंच जाएगी, वो मुझे ज्यादा बेनिफिशियल नहीं लग रहा था। और साथ साथ मेरा सपना था कि लाइन में तो जाना है, ट्राई तो करना है, नहीं होगा वो देखी जाएगी। तो वो सीडीएस का एग्जाम दिया, इंटरव्यू आया, कुछ रीजन की वजह से फिर नहीं जा पाया। फिर एफकेट दिया, एक बार एफकेट क्लियर हुआ, उसका इंटरव्यू उसमें भी नहीं हुआ। फिर अभी दोबारा क्लियर करा एफकेट, 1 अगस्त को इंटरव्यू है, अब उसका भी देखते हैं। बट उससे 1 साल पहले अब वहां पे चालू हुआ था निमसेट, मेरी दीदी ने बोला है एमसीए वगैरह देख ले, कुछ कहीं ना कहीं एडमिशन हो ही जाता है आईपी में। तो पर जब तक देखा फॉर्म निकल चुके थे निमसेट के, फिर महाराष्ट्र सीईटी का तब निकला हुआ था फॉर्म, मैंने भरा, उसमें पेपर दे आया था, वहां पे थोड़ा सा ट्रेजेडी वगैरह हुआ था रफ पेपर वगैरह के लिए, तो उसमें 97% आई थी। मतलब मैं कुछ पढ़ के नहीं गया, ऐसा मान लो सीडीएस का जो पढ़ रखा था बेसिक मैथ्स वगैरह, वो उतने से मेरा इतना बन गया था। उसके बाद आपके जब मैंने कोर्स देखा था, क्योंकि आप डिफेंस एस्पिरेंट को पहले से पढ़ाते थे, तो मैं 2018 से ही आपके वीडियोस देखता था, इतना तो भरोसा था कि सर मैथ बढ़िया पढ़ाते हैं। अब बात आ रही थी कंप्यूटर की, क्योंकि बीच में ना मेरा एक नो ऐसा आ गया था, मैंने सीडीएस में जीएस स्टडीज और इंग्लिश अच्छी लेवल की आती है,
तो वो भी मैंने प्रिपेयर करता था, और जो मेरी वीकनेस थी मैंने उसी में ही इंग्लिश में ज्यादा स्कोर करे थे, और जीएस भी पूरा पढ़ा था, वो खुद ब खुद कर गई ऐसे ऐसे करके। फिर आपका कोर्स मैंने बाय करा था, एक फ्रेंड सूरज था उसने आपका 1 साल पहले और खरीदा था, तो उसने बोला कि हाँ सर ऐसा ऐसा बोलते हैं ये है, मैंने ठीक है। फिर मैंने पेमेंट करी, मेरी पेमेंट फेल हो गई, अब घर वाले बोलेंगे ये क्या कर दिया तूने। मैंने आपको फोन करा, आपने बोला कोई टेंशन मत लो, मैं हूँ, मैं तुम्हें ऐसी एक्सेस दे रहा हूँ, तुम्हारे जब ई रिटर्न आ जाए, रिफंड हो जाए अकाउंट में, तब मेरे को दोबारा पे कर देना। तो वहां से एक कॉन्फिडेंस और बिल्ड हुआ, सर अंदर से भी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि यूट्यूब पे सिर्फ देखने से नहीं, डायरेक्टली बात करने से भी और पता चलता है ना कि कोई कैसा है। फिर वहां से मेरी जर्नी निमसट के लिए चलती हुई, घर पे शोर हो कुछ भी हो, खुद ब खुद अलग अलग तरीके ढूंढने होते कि कैसे करें। फिर मैं ईयरबड्स खरीद के आ गया, ईयर प्लग्स, घर में शोर हो रहा है कान में ईयर प्लग लगाओ, पढ़ना चालू कर दो, कोई गेस्ट आया कुछ फंक्शन हो रहा है वो हो रहा है। मैं मेरा एक दोस्त था वो बाहर जैसे इधर उधर पढ़ाने जाता था, तो उनका कोई कांटेक्ट में, तो उसने बोला आरएसएस ऑफिस है हमारे आसपास, वहाँ पे लाइब्रेरी है, वहाँ उठ के चले जाइए। मैं वहाँ उठ के चले जाता था, कभी कहीं बैठ गया कभी कहीं बैठ गया, मेन यही स्टडी रूम था वैसे, पर शोर होता था कुछ होता था मैं उठ के कहीं भी चले जाता था, जहाँ जगह। फिर एग्जाम देते गए और आप तो बहुत सारे फेस्टिवल बहुत अच्छे से मनवाते हो स्टूडेंट के साथ, वो तो बताए हमें, हॉलीडे के दिन सबको पता चलेगा जो ज्वाइन करेगा कैसे बनता है। फिर ऐसे ऐसे पढ़ते गए, मॉक टेस्ट देते गए, फिर बीच में एक हुआ था कि सेल्फ स्कोरर लेनी पड़ेगी, बहुत सारे रूमर्स होते हैं, वो सेल्फ स्कोरर मेरे पास लैपटॉप के नीचे रखने के काम आ रही, और वैसे ही पड़ी है। और जो आपका स्टडी मटेरियल है वो इनफ है, आप जो स्टडी मटेरियल लेते हैं उसको मैंने प्रिंट निकाल के एक स्पाइरल फाइल में लगाते रहता था, जो आप दो दो तीन दिन शीट्स देते थे हर रोज की, वो निकाल के उसको मैंने अलग से एक मोटे वाले रजिस्टर होते हैं उसमें खुद से सॉल्यूशन खुद लिखते रहता, जो आप जैसे छोड़ दिए या बाद में बताने हैं उसकी जगह छोड़ के आगे आगे करते रहता था। ऐसे ही आगे बढ़ते करते गए, आप पढ़ाते गए, और बीच में एक कांस्टेंट सोर्स ऑफ मोटिवेशन होना चाहिए, वो आप देते ही थे बीच। फिर जब जनवरी चालू हुआ तब सीरियस होना चालू हो जाना चाहिए कि अब थोड़ा आराम कर लिया ठीक है, पर उसी के बाद मैंने ट्यूशन पढ़ाना भी चालू कर दिया था। मेरा नाइट ऐसा मान लो 6:30 से 10 बजे तक रिजर्व हो जाता था, क्योंकि मैं थोड़ा दूर पढ़ाने जाता था, आज भी जाता हूँ बट टायर्ड हो जाता था काफी। फिर एग्जाम से 1 महीना पहले थोड़ा और रिगरसली पढ़ना चालू कर दिया, और मेरी एक और आदत थी कि जैसे एक्स एंट्री के लिए मैंने पढ़ रखा था, तो एनसीईआरटी इस तरीके से डिजाइंड है, उसमें हर एक क्वेश्चन कोई ढंग से देखे ना, तो यही हर जगह का बेस वही होता है, सही बात मैं उसके नोट्स देखे, इवन जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो अपने आप में ही एक कॉन्सेप्ट होती है, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, वो देखने का नजरिया होना चाहिए, और आप जो पढ़ाते थे उससे मैच कर करके, जैसे आपने पूरे नोट्स बना दिए, एक चैप्टर पढ़ा दिया, उसको मैं पूरा थोरोली पढ़ता था। एनसीईआरटी सिर्फ एनसीईआरटी कुछ ज्यादा नहीं, और क्योंकि मैं 12th 11th 12th में भी ऐसी सॉल्यूशन खुद बना के रखता था, वो रीड करा, और एक A4 साइज पेपर में जितना मेरे को आता है टेस्ट में आपने जितना दिया है, जो बढ़िया नोट्स या क्वेश्चन थे या फॉर्मूले उसको मैं नोट डाउन कर पा रहा, वो आज के लिए नहीं है, वो एग्जाम से 2 दिन पहले के लिए या 3 दिन पहले के लिए, क्योंकि तो 1 दिन में वही पढ़ा जाएगा, पूरी 4-5 जो नोट्स की कॉपी बनाई वो नहीं पढ़ी जाएगी, वो मैं बना के रखता था। इवन मैं आपको एक ट्रिग्नोमेट्री का दिखाना चाहूंगा, ये मैंने चार्ट बनाया था, ये देखो इतना छोटा छोटा लिखा था, इवन पीछे भी लिखा हुआ है, अरे वाह, बहुत बढ़िया। ये तो सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री का, भी दूसरे का भी है, वो फिर निकालना पड़ेगा। यही ऐसी जर्नी चलती रही, फिर एग्जाम से 2-3 दिन पहले फालतू का दिमाग में आना चालू हो जाता है, वो मेरे भी आ रहा था, बट शांत रखना होता है किसी भी तरीके से, एनी हाउ। बस सर तो तुषार, मैंने आपकी बात बहुत अच्छे से सुनी। पहली चीज तो ये
क्योंकि मैं खुद भी डिफेंस के लिए लिए क्लासेस और आपने वो देखी थी। आपका एक्चुअल में डिफेंस में जाते जाते आप एकदम से कंप्यूटर फील्ड में अभी फिलहाल में स्विच हो गए, ये भी अपने आप में एक बड़ा वो है, क्योंकि बहुत कम समय में पर कहीं ना कहीं आपने जो एनडीए की प्रिपरेशन की थी, सीडीएस की प्रिपरेशन की, रिटर्न निकाला, तो एक कॉन्फिडेंस तो था ही, पर आपने निमसेट के लिए भी जब प्रॉपरली, क्योंकि अभी आपका ये चार्ट देख के समझ में आ गया कि कोर्स लेने के बाद आपने काफी सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाई की, और उस सिस्टमेटिक पढ़ाई का नतीजा ये कि आज आपकी ऑल इंडिया 55 रैंक है, और हो सकता है अभी आपका 1 अगस्त को इंटरव्यू, अब आपके पास दो ऑप्शन भी हो जाएंगे कि या तो डिफेंस में चले जाओ या फिर सॉफ्टवेयर में चले जाओ, पर दोनों फील्ड में आप बेस्ट करके आओगे। मेरे पास और भी ऐसे कई बच्चे हैं जिनका की बैकग्राउंड एंड मतलब जिन्होंने एनडीए रिटर्न निकाला पर बाई चांस एसएसबी में रहेगा या सीडीएस नहीं निकाल पाए और एमसीए फील्ड में गए, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। आपने भी एकदम मतलब देखा जाए तो ग्रेजुएशन तक तो आपने सोचा ही नहीं था कि एमसीए करना है, ग्रेजुएशन के बाद आपने डिसाइड किया, और आपने ग्रेजुएशन में एग्जाम भी नहीं दिया था निमसेट का, ये पहले ही अटेम्प्ट आपने दिया और पहले अटेम्प्ट में ही आपने 55 रैंक अचीव किए, बहुत ही खुशी की बात है। जो बच्चे ये सुन रहे हैं, कई बच्चों को ऐसा लगता है कि हम पहले से नहीं सोचेंगे तो क्या होगा, मैं हमेशा मानता हूँ आपने जब सोचा उसके बाद कितनी मेहनत की है, सारी चीजें इस पर डिपेंड करती है कि आप उसके बाद कितनी मेहनत करते हो। तो तुषार, अभी तो आप भोपाल भी आने वाले हो अवार्ड सेरेमनी के लिए, तो वहां पर भी आप काफी सारे बच्चों से मिलोगे, पर मैं फिर भी चाहूंगा कि आप अपने जूनियर्स को और ड्रॉप आउट बच्चों को क्या मैसेज देना चाहोगे? एक बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज है, एग्जाम टाइम ना जो लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं ना टेस्ट मॉक टेस्ट में, वो कभी कभी क्या करते उनका परफॉर्मेंस इतना डाउन हो जाता है। मेरा एक दोस्त था प्रतीक, स्टडी बड़ी मान लो आप ही के कोर्स में, हमेशा जब भी टेस्ट देते थे उसकी रैंक मुझसे ऊपर ही आती थी और वो टॉप 10 टॉप 15 में ही आता था। हम आपस में डिस्कस करते थे हमारे क्वेश्चन, जैसे ये मेरा रह गया या ये गलत कर दिया, बट उसकी रैंक अगर वो ढंग से उसका पेपर होता तो मेरे से भी अच्छा, उसका पोटेंशियल मेरे से भी ज्यादा था, बट उसका रैंक 600 के आसपास आया। एग्जाम में उसने प्रेशर ले लिया तो उससे बच के रहना, और मेरे साथ भी इवन एग्जाम में कुछ ऐसा ही हो रहा था बट मैं कंट्रोल करके रखा होता है क्योंकि सर ने सिखा रखा है फर्स्ट आर कैसे खेलना है और सेकेंड आर कैसे खेलना है। बट मेरे साथ मैंने पिछले 1-2 दिन में ना स्ट्रेटेजी थोड़ी सी चेंज करी थी क्योंकि मेरा उतना आउटपुट नहीं आ पा रहा था, क्योंकि जब मैं क्वेश्चंस करता था एक स्कैनिंग राउंड होता था वो मेरे लिए इतना बेनिफिशियल नहीं हो रहा था। मैं जैसे पेपर दिया मेरे सामने मॉक टेस्ट है, मैं फटाफट क्वेश्चन देख रहा हूँ दोबारा टिक नेक्स्ट टिक नेक्स्ट, बट जब मैंने अपना पेपर एनालाइज करा मैं एक गलती कर रहा था, जो ईजी क्वेश्चन है हल्का सा 15 सेकेंड दे दूँ मैं उधर ही सॉल्व हो जाएगा, कि मैं उसको भी उसमें स्किप करता था तो वो मेरे लिए डाउन प्ले कर रहा था क्योंकि मैं सेकंड राउंड में आऊंगा वो अगेन मेरा 10 सेकंड खाएगा रीड करने में। तो वो स्ट्रेटेजी चेंज करी कि इजी क्वेश्चन है 15 सेकंड 30 सेकंड ले रहा वही चुप कर दो नेक्स्ट। फर्स्ट स्टार जब मैंने पेपर दिया था इसी तरीके से था, बट मैंने देखा पेपर तो इतना ईजी आ रखा है सर ने जो पढ़ाया, नेक्स्ट आर में जब आया क्वेश्चन मेरे से हिले नहीं रहे थे, मैं बोला ये क्या हो गया, फिर जैसे उन्हें रीजनिंग करा रीजनिंग में मेरे 9 गलत हो गए थे और मैं बोले ये क्या, फिर आके देखा है पता नहीं गलत आई थी, और मैथ में मैंने वो क्वेश्चन गलत करा जो किसी ने भी गलत नहीं करा होगा, एक डिटरमिनेंट वाला आया था एक्स वाई का जो, वो मैंने आंसर भी सही निकाला पेपर पे गलत टिक करके आ गया, अगर वो टिक सही होता तो मेरे 15 नंबर इंक्रीज हो जाते, मेरी रैंक सम वॉट अराउंड 35 आ जाती, उससे भी बच के रहना। 1-2 दिन इतना काम माइंड करना वो आपके तरीके हो सकते हैं कि आपको तो काम कैसे रखना है, वरना वही हो जाएगा कि पोटेंशियल होते हुए भी नीचे की रैंक आ जाएगी। बिल्कुल तुषार, आपने बहुत अच्छी बात बोली, जो आपने भी बोला प्रतीक का भी और भी बच्चे, कई बच्चे पूरा साल एंड तक अच्छा करते हैं पर केवल एग्जाम में ओवर प्रेशर या ओवर स्ट्रेस या ओवर थिंकिंग के वजह से अच्छी रैंक की जगह डाउन कर लेते हैं छोटी छोटी मिस्टेक से। जैसे अभी आपने बोला कि थोड़ा स्ट्रेस लिया पर बीच में संभाल लिया इसीलिए आज 55 रैंक है, नहीं संभालते तो पीछे खिसक सकते थे। तो हर वो बच्चा जो ये बात सुन रहा है ध्यान रखिए कि आप लोग कभी भी किसी चीज का प्रेशर ना ले, स्ट्रेस में कभी पढ़ाई अच्छी नहीं हो सकती, कभी कोई रिजल्ट अच्छा नहीं हो सकता, तो इस बात का ध्यान रखो। तुषार आपने काफी वैल्यूबल बातें बताई, अब हम भोपाल में बहुत जल्दी मिलेंगे, और अब आप इसी तरह एनआईटी अगर जाते हैं तो ऐसे ही परफॉर्म करिए और अपना जो बेस्ट दे सकते हैं वो देने की कोशिश करिए। वंस अगेन कांग्रेचुलेशन एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ठीक है, 1 मिनट अब मम्मी से बात कर लो, वो कह रहे जी नमस्कार।
नमस्कार जी। सबसे पहले तो आपको तुषार की 55 रैंक पे बहुत सारी शुभकामनाएं। और मैं आपको ये बोलना चाहूंगा, देखिए एक ना एक समय ऐसा आता है जब हम बच्चे को भेजते ही बाहर, तो अभी इसकी बहुत अच्छी रैंक है, इतनी अच्छी रैंक पे इसको बहुत अच्छा एनआईटी मिलेगा। ऑलरेडी ये दिल्ली जैसी जगह पे रह रहा है, तो अब जहां पर भी इसका एनआईटी में होता है, त्रिची में होता है, सूरतकल में होता है, मैं आपको कहूंगा कि आप इसको जरूर भेजिए, क्योंकि ये वहां पर जाके भी ऐसे ही परफॉर्म करेगा जैसे अभी इसने यहाँ परफॉर्म किया। और आप तुषार के बारे में कुछ कहना चाहेंगी, इसकी पढ़ाई को लेके या इसके नेचर को? जी हम सोच रहे दिल्ली में हो गए, एनसीआर में हो गए, नोएडा, गुड़गांव। नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल मत सोचिए, क्योंकि इसका इतना अच्छा सिलेक्शन हुआ है, तो हम इस सिलेक्शन को सेलिब्रेट करें और इस सिलेक्शन का बेनिफिट लें और इसको ऐसी जगह भेजें जो ये डिजर्व करता है। जी चलो देखो, जा बच्चे किस्मत में जाएगा। जी 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 जी। और अपने बच्चे के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे तो जरूर बताइए। ठीक है बेटा, तो पढ़ लेंगे। ठीक है जी जी जी। तो आप इसको भेजिए और इसको जहाँ होता है वहां जाने दीजिए, आप देखिएगा बहुत, और पता भी नहीं चलेगा, 3 साल निकल जाएंगे, बीच बीच में ब्रेक होता है काफी लंबा, एक एक डेढ़ डेढ़ महीने का, ये आपके पास भी आता रहेगा, पर जो कॉलेज मिलता है इसको वहां जाने दीजिएगा। जी नमस्कार।